ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी फरीदाबाद के सेक्टर 24 में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिली, जहां हरियाणा स्टील नाम की एक कंपनी में बदमाशों ने 12 राउंड फायरिंग की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में बदमाश किस कदर बेखौफ है, इसकी बानगी आप भी देखिए कि किस कदर बदमाश एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार होकर आए और फरीदाबाद के सेक्टर 24 में स्थित हरियाणा स्टील कंपनी में घुसकर 12 राउंड फायर किए। गनीमत ये रही कि हमले में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ, हालांकि एक गोली प्रिंटर में जाकर जरूर धस गई। कंपनी के कर्मचारी के मुताबिक 6 बदमाशों में से 4 लोग अंदर आए और गोलियां चलाने लगे। ये सुबह की वारदात 11:15 और 10:50 के बीच की है, जब एक गाड़ी में 5-6 लोग आए। स्विफ्ट कलर, वाइट कलर की गाड़ी थी, जिस गाड़ी में से वो गेट पे उतरे, गेट वाले गार्ड ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो गेट से 4 आदमी बाहर निकल के गोलियां चलाते हुए वो अंदर आए। अंदर आके उन्होंने हवाई फायर करते रहे और फ्रंट साइड पे जो शीशा लगा हुआ था उस शीशे को भी टारगेट किया और अंदर का भी टारगेट किया, जिनमें से एक गोली जो है अंदर कंप्यूटर पे लगी, जिसके सामने आदमी भी बैठा हुआ था, लेकिन आदमी का बचाव हुआ और वो कंप्यूटर का ही प्रिंटर पे गोली लग के रुक गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर बदमाश यहाँ पर क्यों आए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्टील हरियाणा कंपनी थी, उसके अंदर गोली चली है, उसमें 5-6 लड़के थे, इनका अभी से पता तो चला नहीं है। वैसे तफ्तीश जारी है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा। किसी का वैसे नुकसान है, किसी के कोई इंजर्ड नहीं है, किसी के लगे नहीं है और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर